मथुरा में इन दिनों श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही मस्जिद को हटाने का मामला कोर्ट में है। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन एक वकील के निधन के कारण सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ के श्री कृष्ण जन्मस्थल परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। दोनों याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि केशव देव मंदिर से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं वो मिटाए जा रहे हैं। सुनवाई होनी थी क्योंकि हमारे साथी अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन हो गया, इसलिए कंडोलेंस हो गई और आज मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। हमारी बहस 7 रूल 11 पे CPC पे चल रही है कि ये मुकदमा मेंटलेबल है या नहीं, और इसी पे सुनवाई अब 1 जुलाई माननीय न्यायालय ने नियत कर दी है। 1 जुलाई को हमारी मोहम्मद फारूक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद, इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो बहुत जरूरी है कि गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जाए। फिलहाल क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट मिल रहा है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह का है और मथुरा में बहुत जोरों का छाया हुआ है ये, और इसमें एक आज बहस होनी थी इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में, लेकिन एक वकील का निधन हो गया, इस वजह से इसमें कंडोलेंस हो गई और बहस नहीं हो पाई। दूसरा एक मामला और जिला अदालत में, जिला न्यायालय में चल रहा है, और जिला जज राजीव भारती जो है उन्होंने दोनों पक्ष की बहस सुनकर इस मामले को जो है सुरक्षित रख लिया है, और 19 मई को इसका फैसला आना जो है अभी बाकी है इसमें। और मैंने जो शाही मस्जिद ईदगाह के पक्षकार हैं उनसे भी बात करी, तनवीर अहमद जी से, तो उन्होंने बताया कि ये मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है, आज उसमें बहस होनी थी। ये बहस जो है, ये मुकदमा जो बाद है, ये सुनवाई योग्य है या नहीं है, ये आज उसका निर्णय आना था, लेकिन एक वकील का निधन होने से और ये आज कंडोलेंस हो गई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की वकील रजनांगनी ओत्री जो है वो भी वादी हैं, और उन्होंने भी इस मामले में जो है बात दायर कर रखा है, जिसकी का फैसला 19 मई को आने वाला है। दूसरी तरफ पक्षकार शाही मस्जिद ईदगाह के जो सेक्रेटरी हैं तनवीर अहमद एडवोकेट, वो खुद स्वयं इस मुकदमे को लड़ रहे हैं, और उनका मानना ये है कि अगर ये बात योग्य है सुनने के तो अदालत इसका फैसला करेगी जो है, और आज 1 जुलाई जो है इसमें तारीख जो है नियत की गई है, 1 जुलाई को इसका भी फैसला आएगा। ऐसे कुल मिलाकर करीब 7-8 मुकदमे जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह परिसर को मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद दायर हो चुके हैं। जी मोनिका, क्या इस पर किसी तरह का कोई विवाद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दो पक्ष यहाँ पर आमने सामने हैं? जी बिल्कुल, जो है ये एक तरीके का मसला जो है, बहुत संवेदनशील मसला है जी, इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसको गंभीरता से लिया जाए। क्या उसी तरीके की चीजें देखी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और ये मुद्दा ऐसा है जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का और श्री राम मंदिर का जो मुद्दा था, ऐसी इसी तरीके से ये मुद्दा है, लेकिन ऐसी अभी कोई फिलहाल स्थिति सामने नजर नहीं आ रही है कि कोई मुद्दा ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बन जाए, लेकिन हाँ अदालत में दोनों पक्ष जो है आमने सामने हैं, और अदालत अब क्या फैसला करती है, क्योंकि अभी तो ये जिला अदालत में चल रहा है मथुरा की, और आगे जो है कहाँ तक ये मुद्दा जाता है और क्या जिला न्यायालय मथुरा का जो है फैसला देता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल क्या संभावना इस पूरे मामले में नजर आ रही है, क्या भविष्य इस पूरे मामले का नजर आ रहा है? जी देखिए, ये तो सब निर्णय जो है अदालत के ऊपर है, और अदालत इस पर क्या अपना फैसला देती है, मथुरा से क्या फैसला आता है। 19 मई को एक रंजना अग्निहोत्री की जो याचिका दायर है उस पर जो है एक फैसला आना है 19 मई को, जो सुरक्षित है जिला जज की अदालत में, उस पर वो फैसला आएगा। उसके बाद में 1 जुलाई को इसका फैसला आएगा, महेंद्र प्रताप सिंह जी जो एक एडवोकेट हैं उनकी याचिका पर एक फैसला आना है। तो ऐसे कुल मिलाकर 7-8 याचिकाएं यहाँ पर डली हुई हैं, और सभी लोगों का मानना यह है कि औरंगजेब के टाइम में, मुगल शासन में,
ये मस्जिद के यहाँ पर जो है मंदिर के अवशेष थे और इसको जो है तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो ऐसा अभी कोई बहुत ही सामने आमने सामने नहीं है, क्योंकि अदालत में ही ये सब विचाराधीन है अभी मामला। जी शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया ने